तो यार वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं दिवाली के साथ। एंड आप लोगों को भी पता ही है आज दिवाली है, तो मेरी तरफ से यार आप लोगों को एंड आप लोगों की फैमिली को हैप्पी दिवाली। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जिसने भी यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो हमारे को यार पोकेमॉन यूनाइट का फर्स्ट लैन देखने को मिला था, जिसके विनर बन चुके हैं मार्कोस गेमिंग। एंड फर्स्ट रनर अप रहे हैं SA12 का लाइनअप, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है, वो निकल कर आती है मर्सी भाई को लेके। तो उन्होंने बात करी थी रेगल्टॉस एंड मांबा के मैटर पे, एंड उन्होंने यार ऑडियंस को कुछ समझाया था, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। अरे इशू कुछ नहीं है, वो थोड़ा बचपना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए तो आप लोग बोलते थे ना रिएक्शन स्ट्रीम, रिएक्शन स्ट्रीम, इसलिए हम नहीं करते ये सब, किसी के ऊपर रिएक्ट नहीं करना हमें। बाकी देखो जो भी कंट्रोवर्सी वंट्रोवर्सी आप लोग बोल रहे हो ना, रहेगा मामा ये वो, मतलब ठीक है, वो सब कुछ इतना कंट्रोवर्सी है नहीं मेरे को तो, जहाँ तक मतलब हम लोग को लगता है वो नॉर्मल सा चीज़ है, मतलब ठीक है। इतना वो सब चैट में भी टाइप करके कोई फ़ायदा नहीं है, पॉइंट नहीं है। किसी को साथ में खेलना होगा, नहीं खेलना होगा, नहीं खेलेगा, ठीक है। नहीं SA12 में कितने अपने में कितने आजकल SA12 में हमारे, पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे आप लोगों को पता ही होगा, जो पहले से हैं मॉर्टल, फिर ये क्या बोलता है रेवन, माफिया, मैं, मर्सी, थग, रौनक, ओएस, फिर एस, टैड, ये लोग, फिर उसके बाद लोग आते गए, फिर आके 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 फैमिली बड़ी होती गई होती गई। ठीक है अभी 20-25 लोग ऐसे रहेंगे आपस में, कभी कभी हो जाता है। एंड डिस्क के बाद जो अल्फा क्लेशन है, उनसे काफी लोग बूट कैंप के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि यार उनकी तरफ से हमारे को कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है बहुत ही जल्दी, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख लो। वाली बूट कैंप का कुछ अपडेट दे दो अल्फा भाई। भाई देखो बूट कैंप का अपडेट यही मैं आप लोग को देना चाहूंगा कि इतना टाइम हो गया है हमें, एंड अभी तक आप लोगों को कुछ ऑनेस्टली अभी तक पता नहीं है। बट ऑनेस्टली मैं अपने एंड से कुछ चीज़ें जल्दी पेश करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, जिसके बाद आई गेस हम सभी लोग मिलकर बता देंगे दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग अबाउट द बूट कैम्प। एंड होपफुली होपफुली कुछ कुछ हैप्पी छोटी दिवाली सर जी। हेलो हैप्पी छोटी दिवाली आर्यवर्ता सिंह, कैसे हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोया के बारे में नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है हर्षिता को लेके। जो हर्षिता है, उनसे काफी लोग पूछ रहे थे कि उन्होंने गॉड लाइक को ज्वाइन क्यों किया, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। गार्डन में जाने का कैसा सोचा? गार्डन में देखो जाने का मैंने सोचा बिकॉज मुझे आया था ऑफर, एंड आई वाज लाइक मैंने बहुत सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड आई फेल्ट कि मुझे गार्डन ही जाना है, इसलिए मैं काफ़ी सोचने के बाद आई वाज लाइक चलो गॉर्डल ही जाएंगे। और मैं आ गई गॉर्डल में और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि आई फील कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है गॉर्डल में आके, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड आई फील कि पता नहीं मुझे, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे जब मैं यहाँ पे आई थी ना इन लाइक सो मैं यहाँ पे बूट कैंप पे आई थी 14th को, एंड ट्रस्ट मी मुझे पहले डर लग रहा था कि मैं किसी को जानती नहीं, और यू नो इट माइट भी थोड़ा सा ऐसे मतलब लड़ाई मत हो जाए किसी से, या क्या पता सबसे बातें होंगी या नहीं, या फिर ऐसा कुछ। बट ट्रस्ट मी मैं जब आई ना, इतना फैमिली वाली फीलिंग आई है मुझे लाइफ में पहली बार, मतलब सब इतने अच्छे हैं कोई। तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है, वो निकल कर आती है नोवा किंग एंड डेंजर को लेके। तो उनकी स्ट्रीम पे हमारे को डिस्कशन देखने को मिली थी पबजी मोबाइल से रिलेटेड, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। कहना चाहते हो गेम के बारे में, कब आएगा करके? यार पता नहीं यार, मतलब अभी सोमराज सोमराज कुछ इंस्टा पे बोल रहा था कि जनवरी फेब में आएगा जियो एयरटेल वगैरह किसी के साथ, पता नहीं यार, मतलब बड़े कोई बच्चे हैं भी, उस पे सब कुछ पता नहीं। सोमराज सोमराज क्या है भाई, ईस्पोर्ट्स वालों को क्या पता हो चलता है लोग सब लोग कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं भाई। कि तो बोल रहा दिसंबर हूँ कि में इसको कुछ नहीं पता है, बस आएगा जब वो आएगा आएगा बताएगा बस आएगा, आएगा तो आ जाएगा, बस इतना पता है, बस कब आएगा नहीं पता।
बस गाइज यार अभी के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।